अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद आमिर, आप देख रहे हो ट्रेवल विद आमिर। तो आज हम बात करेंगे अमेरिका जाने का और विजिट जाने का, कुछ टिप्स आप मैं आपको बताऊंगा जिस पे मैंने अमल किया और मैं कैसा मैंने देखा, क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं है। तो मैं इसका बात इस बात पे आपको कुछ टिप्स दूंगा, आप कोर्स इस वीडियो को देखें तो आपको पता चलेगा कि कैसा अमेरिका जाना है, कैसे एजेंटों से बचना है। तो फिर आप देखें इस वीडियो पे लास्ट तक। सो भाइयों, पहले आप करोगे ऐसा कि आप एजेंटों के ऊपर कोई भी डिपेंड ना करें, क्योंकि वो आपको फंसा लेगा आपसे तकरीबन 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपये मांगेगा कि आप दे, मैं आपको अमेरिका का, यूएसए का वीज़ा लगाता हूँ, दिलवाता हूँ किसी से, वो मेरा बंदा है, ये वो, ये सब फ्रॉड है, डोप पोक है। तो इस पे आप प्लीज़ अमल नहीं करो, इस पे डिपेंड ना करो। अमेरिका पे, अमेरिका में आप जा सकते हो तकरीबन 26-27 हज़ार रुपये पे, जब आप विजिट पे जा रहे हो, किसी ने रिस्पॉन्स किया है, और इस तकरीबन मेरे हिसाब से 27 तक आपका फुल पैसे लगे तो 3 लाख से 4 लाख तक आपको विजिट अमेरिका पूरा आप घूम सकते हो। तो इतने पैसों की फिर क्या ज़रूरत है देने का, आप इतने पैसों का क्या ज़रूरत है देने का, तक आप जा सकते हो 4 लाख रुपए पे आप उधर पूरी घूम सकते हो। तो आप इलीगल जाते हो तो उधर काम आपको नहीं मिलेगा वगैरह वगैरह, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लीगल तरीके से ट्राई तो करें। वो लोग कहते हैं कि अमेरिका में जाने का लीगल तरीके का ये काम है कि वो आपका अकाउंट देखता है, वो आपके अकाउंट में 1-2 करोड़ रुपए नहीं थे फिर आपको नहीं छोड़ते अमेरिका, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाइयों। मैं मानता हूँ कि वो अकाउंट चेक करता है, लेकिन इतने पैसे वो नहीं मानता, तकरीबन आपके अकाउंट में 6-7 लाख रुपए हो तो आप आसानी से अमेरिका ट्रेवल कर सकते हो। तो भाइयों, वो कागज़ों पे वो लोग डिपेंड नहीं करते, वो लोग आपके ऊपर डिपेंड करते हैं और आपको आपका कॉन्फिडेंस देखता है और आपको देख रहा है कि ये बंदा कैसा है, ये उधर जाके रह तो नहीं लेगा और वापस आता है नहीं, ये आपको आप ये ना हो कि उधर उनके सामने जाओ ये डरो और ये काम को और सॉरी सॉरी बोलोगे, तो आपको इंग्लिश नहीं आते मेरे जैसा, आप कह सकते हो पश्तो, उर्दू, पंजाबी, सब सब लोग उधर बैठे हैं, तो आपको पंजाबी को भी चॉइस कर सकते हो, कुछ भी आपको जुबान आती है पाकिस्तानी तो उसको चॉइस करते हो, डरने की कोई बात नहीं, हो आपको का नहीं लगते का नहीं लेगा तो ना लगे तो यार फिर ट्राई करोगे। वो लोग भी आपको ऐसे नहीं बोल सकते आप नहीं जा सकते हो, कहते ट्राई कर। जो बंदा कॉन्फिडेंस से जाए और नहीं डरता, डॉक्यूमेंट सब उसका ठीक है, तो उसको कोई डरने का बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है उसको, और वो ट्राई ज़रूर किए प्लीज़, वो ट्राई करें और इस एजेंटों पर भरोसा ना करिए, क्योंकि ये आपको बताएगा कि आप इंडोनेशिया में आपको भेजेंगे, उधर से आप जाओगे थाईलैंड वगैरह, आपको एक अमरीका से सीधा I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. आप
I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spend all my life holding on because late, I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. उसका बैकग्राउंड क्या है, आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछेगा कि आप क्या काम करते हो। मेरे हिसाब से तो ज़्यादा बंद उससे उसने अकाउंट नहीं पूछा, नहीं डॉक्यूमेंट पूछे, वो उसको चेक किया है, उनका अमेरिका का वीज़ा लगे हुए। तो ऐसे नहीं है कि आपका अकाउंट नहीं है तो आप नहीं जा सकते, आपका अकाउंट डॉक्यूमेंट कम है आप नहीं जा सकते। ट्राई तो पहले मैंने भी खुद दो दफ़ा ट्राई किया है, मैं रिजेक्ट हो गया हूँ, तीसरी बार भी मैं ट्राई। सिचुएशन जो जो जिस बंदे का उधर कुछ रहता है अमेरिका में, चाची है, कज़न वगैरह है, तो उसका बताए कि वगैरह वो ज़्यादा लोग नहीं बताते उसका अलग इतना है। तो आपसे ये फर्स्ट सवाल जो ये करेगा कि आप अमेरिका क्यों जा रहे हैं। अगर आप ट्रेवल करने के लिए जा रहे हो तो आप बताएं, मैं ट्रेवल करने के लिए जा रहा हूँ, या कोई मीटिंग है, शादी है, किसी पार्टी में जा रहे हो तो बताएं। तो आप बोले मेरा उधर कज़न है, उसके पास जा रहा हूँ, उसने बुलाया है। तो आप जो आप कहाँ जाते हो, किस लिए जाते हो तो बताओगे। तो फिर आपको ये बताऊँ कितने दिन के लिए जाओगे, तो आप बताओगे कि एक महीने के लिए। तो ज़्यादा दिन मेरे हिसाब से नहीं बताओ, कम दिन बताओ कि उनको शक ना हो। आप लोग ज़्यादा दिन बताते हो तो फिर वो लोग को शक होता है, वो टाइम लेता है, टाइम नहीं लेता, वो डायरेक्टली रिजेक्ट मारते हो, डायरेक्ट पासपोर्ट देता है। तो आप ऐसा ज़्यादा दिन नहीं बताओ कि आपको फिर जगह नहीं मालूम, गलत जगह बताते हो तो इधर उधर, तो इस वजह से भी आपका रिजेक्शन की चांसेस ज़्यादा होती है। और दूसरा, आप घबरावट मत, सॉरी सॉरी ना कह लो कि वो शक हो जाए कि यार ये बंदा डरा हुआ है ये वो, तो इससे भी आपका रिजेक्शन की चांसेस ज़्यादा होती है। जब आप कॉन्फिडेंस से और आराम से सुकून से हंसते हुए मुस्कुराते हुए उनका जवाब दे रहे हो तो उनको भी ज़रा सा शक भी आपका ऊपर नहीं होगा और आपका एक्सेप्ट होने का चांसेस ज़्यादा होगा। तो भाइयों आप ट्राई करो। तीसरे जवाब में तीसरे सवाल ये करेगा कि आप वहाँ से क्या लाओगे, इधर से क्या लेके जाते हो या वगैरह। तो आप वहाँ पे कहाँ कहाँ घूमोगे और कौन जा साथ में जा रहा है, तो आपके साथ कोई जाते हो तो बताओ कि नहीं जाते हो, नहीं बताओ तो आप कोई लोग किस बंदे का बीबी हो वगैरह हो तो आप ये नहीं बताओ कि मेरे बीबी मेरे साथ नहीं जाते, क्योंकि इसके साथ फैमिली होती है, उसके लिए ज़्यादा आसान होते हैं। जो लोग बीबी के बगैर जाते हैं तो उधर झूठ बोलते हैं, मेरे बीबी बीमार है ये हो, इसकी वजह से भी रिजेक्शन की चांसेस ज़्यादा होती है। तो वो बोलेगा कि यार आप उस हालत में अपनी बीबी को छोड़ते हैं और आगे जा रहे हो तो ये क्या है। तो ऐसे नहीं बताओ, उनको बताओ कि उनकी एलर्जी है वगैरह है, जान में दर्द की है, तो ये बताओ।
दस पंद्रह दिन की तो बात है, ये ज़्यादा दिन नहीं बताओ कि मैं दो महीने के लिए तीन महीने के लिए जाऊँ, वो आगे नहीं छोड़ेगा। किसी की मीटिंग हो तो बताए दो दिन के लिए, एक दिन के लिए जा रहा हूँ, और इसके लिए भी चांसेस ज़्यादा होते हैं एक्सेप्ट होने का। तो भाइयों आपने ये सब हेल्प किया तो फिर आपका इंटरव्यू होगा एयरपोर्ट पे, अमेरिका एयरपोर्ट पे। आपका इंटरव्यू होगा तकरीबन 10 से 15 सेकंड का, वो इंटरव्यू होगा, वो आपसे ये पूछेगा कि आप कहाँ जाओगे, किस जगह पे आ रहे और कितने दिन इधर होंगे। तो तकरीबन 10 से 15 सेकंड वो भी इंटरव्यू, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ दो। मैं अभी नहीं किया हो तो मेरे हिसाब से तो तकरीबन 10 से 15 सेकंड का इंटरव्यू हुआ आते हैं मैंने गूगल पे सर्च किया। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि उधर एमबीसी और के साथ ये कुछ वगैरह वगैरह नहीं बताऊँ कि यार उधर भी आपको इंग्लिश नहीं आती तो उधर भी ट्रांसलेशन बैठा होता है उनके पास, तो आपको जो उर्दू ट्रांसलेशन करेगा इंग्लिश में तो आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातें उनको बता सकते हो उर्दू में। तो उधर भी नहीं डरो, तो जब आपको कैसे पता लगेगा कि मेरा अब वीज़ा लगने वाला है, वो आपसे पासपोर्ट पूछेगा और पासपोर्ट लेगा। जब पासपोर्ट ले लिया उसने तो फिर आप अपने दिल में ये बताओ कि हाँ यार आपका वीज़ा लगने वाला है। ये नहीं है कि आखिरी या शायद किसी बात पे वो आपको दर्शक होते हैं वापस पे, तो ये जिस लोगों से लिया है उनको वापस नहीं दिया अभी तक। तो ये सब भी हो सकते हैं आपको ले आपसे ले लिया और आपके पास उसको शक हो गया आपको वापस ले रहा है वो पासपोर्ट, ये सब भी हो सकता है। आप इतना भी ना खुश हो जाए उसके सामने जो आपके पासपोर्ट, जब आपको पासपोर्ट लेता है तो फिर आपका आपको बोलेगा कि आपका वीज़ा लग गया है, आप सेट हो गए, तो वो आपको देखा रेशन बोलेगा। तो भाइयों यही कहानी, आप एजेंटों के ऊपर बातें डिपेंड ना करें और एजेंटों को आप पैसे ना दें। और भाइयों प्लीज़ आप एजेंटों के ऊपर बात कोई भी एतमाद ना करें, वो इधर आपको बताएगा आप मेरा भाई हो यार ये वो, आपको इतनी झूठ बोलेगा कि उस झूठ में आपको फंसलेगा और उस जान में आपको गिरा लेगा। तो ये नहीं है भाइयों, बहुत भाइयों के साथ छोड़ हुआ है, प्लीज़ उस बात उस लोग के ऊपर यकीन मत करें और अपना पैसे और वक्त मत जाए करें और अपने लिए ये तरीके अख्तियार करें। और वहाँ पे जब ये विज़िट पे लोग जाते हैं तो उधर अपने जो वेज है वो वर्क विज़िट पे भी हम रख सकते हैं, कर सकते हैं। मेरा ये उर्दू थोड़ा ख़राब है, बहुत ख़राब है, थोड़ा नहीं मैं सीख लूँगा। मैंने आपके साथ ये बात शेयर करनी है क्योंकि मैं तकरीबन एक 7-8 महीने पहले मैंने इंटरव्यू दिया था तो मैंने आपके साथ ये बात भी शेयर कर ली, मुझे उर्दू इतनी ज़्यादा नहीं आती। मैंने बोस्टन में उधर इंटरव्यू दिया था तो मैंने इंप्रेस किया था, लेकिन मेरे 2-3 बातों से उसे शक हो गया था, रिजेक्शन था, चांसेस ज़्यादा हो गया था, क्योंकि पासपोर्ट मुझे याद नहीं वापस दिया था। तो भाइयों उर्दू में उर्दू माइंड ना करें प्लीज़, मैं आपको उर्दू सीख लूँगा इंशाल्लाह, मैं आपको ऐसा व्लॉग बनाऊँगा कि आप हैरान हो जाओगे। और जिस बारे में आपको मालूम चाहिए हो तो हमें बताएं, उस बारे में आपको हम व्लॉग बनाएं। तो यही थी मेरा कहानी और आपके साथ ये एजेंट वाले चक्कर में आप प्लीज़ ना पड़िए, आपका पैसे भी बर्बाद होगी, आपका टाइम भी बर्बाद होगा। और यही तैयारी का है, क्या करें, आप जाएंगे अपना व्लॉग का वेंड अप करेंगे तो सुबह ही